नमस्कार शिक्षार्थियों, आज फ्लैट पैटर्न विधि द्वारा पैटर्न बनाने के सिद्धांत के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि फ्लैट पैटर्न विधि द्वारा हम वस्त्र का निर्माण करने से पहले पैटर्न को बनाते हैं, तो फ्लैट पैटर्न विधि द्वारा हम पैटर्न तैयार कर सकते हैं और जिससे हम विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं। पैटर्न बनाना एक कला है जिसमें किसी भी विशेष प्रकार के डिज़ाइन को कागज़ के पैटर्न में बनाया जाता है। जिस कपड़े में हमें वस्त्र बनाना है उस कपड़े को हम फ्लैट इस प्लेस पर रखते हैं और उसके ऊपर पैटर्न रखकर हम कपड़े की कटाई करते हैं। पैटर्न को मानव आकृति और उसके अलग अलग वक्रों के अनुसार बदला जा सकता है और उसके अनुसार कपड़े की कटिंग की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न फ्लैट पैटर्न विधि द्वारा पैटर्न हम कैसे बना सकते हैं। फ्लैट पैटर्न विधि पैटर्न विकसित करने के लिए सबसे तेज और सबसे परफेक्ट मेथड है, जिसमें नई और विविध प्रकार के डिज़ाइन को ब्लॉक में विकसित करके हम बेसिक ब्लॉक में संशोधन कर सकते हैं। यह बड़े पैमाने पर उत्पादित कपड़ों के आकार और फिट की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। फ्लैट पैटर्न विधि द्वारा पैटर्न बनाने के दो तकनीक हैं, जिसमें पहला है स्लैश एंड स्प्रेड मेथड, सेकेंड है पाइवट मेथड। दोनों विधि का प्रयोग करके हम डांट मैनिपुलेशन कर सकते हैं और डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब हम बात करते हैं कट एंड स्प्रेड मेथड के बारे में। ये एक तकनीक है जिसके द्वारा हम फ्लैट पैटर्न विधि में पैटर्न क्रिएट करते हैं। कट एंड स्प्रेड मेथड में हम कपड़े में कोई भी जो डांट है उसकी पोजीशन को चेंज करना है, या हमें दो डांट को एक डांट में कंबाइन करना है उसको भी कर सकते हैं। जैसे कि चित्र द्वारा बताया गया है कि हमने जो हमारी वेस्ट डांट है, वेस्ट डांट को हमने आर्महोल डांट में ट्रांसफ़र करा है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि वेस्ट डांट में कटिंग करी है और जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है उस लोकेशन को हमने लोकेट करा है पैटर्न में, और कट लगाने के बाद हमने वेस्ट डांट को क्लोज करा है जो थर्ड पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे भी कट लगाएंगे। जब हम उस वेस्ट डांट को क्लोज करेंगे तो हमारी आर्म होल डांट स्प्रेड कर जाएगी और वो हमको आर्म होल में डांट लोकेट करने के लिए पोजीशन देगा और हम वहाँ पे अपनी आर्म होल डांट को लोकेट करेंगे। सेकेंड है पाइवट मैथड। पाइवट मैथड में भी हम डांट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डांट्स को कम्बाइन कर सकते हैं। इस मेथड में क्या है कि हम कोई भी कट नहीं लगाएंगे, हम बस पॉइंट लेते हैं जिसको हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। तो पाइवट मेथड में पाइवट पॉइंट को लेकर हम पैटर्न को मूव करते हैं और जहां पे हमें डांट को ट्रांसफ़र करना है उस लोकेशन में उसको लेके जाते हैं और जहां क्लोज करना है उसको उस पोजिशन से डांट हम पैटर्न को मूव करते हैं। इस विधि में पैटर्न को कट नहीं किया जाता है, लेकिन डिज़ाइन के अनुसार डांट के नए बिंदु निर्धारित किए जाते हैं और डांट को नए स्थान में स्थानांतरित करते हैं। जैसा कि हमको इस पिक्चर में डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है, हमारे पास जो पहला पैटर्न है उसमें हमारे पास वेस्ट डांट भी है और हमारे पास साइड डांट भी है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो साइड डांट है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है शोल्डर में। तो हम जो शोल्डर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि शोल्डर में जिस लोकेशन में हमको डांट को ट्रांसफ़र करना है वहाँ पे पॉइंट को लोकेट करेंगे और उसको हम पाइवट पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जो थर्ड पॉइंट दिखाई पड़ रहा है हमने उसको लेफ्ट पैटर्न को लेफ्ट साइज में मूव करा है, और मूव करने से क्या करेंगे जो हमारी साइड डांट होगी उसकी लोकेशन क्लोज हो जाएगी और जो हमारा फोर्थ पैटर्न है वो तैयार होकर आया है उसमें हमारी जो शोल्डर डांट है उसकी लोकेशन लोकेट हो जाएगी और वहाँ पे हम उसको लाइन से ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे उसकी लोकेशन को बनाएंगे। मूल पैटर्न की एक अनुरेखित प्रतिलिपि जिसको हम टेस्ट कॉपी बोलते हैं मूल रूप में उपयोग की जाती है और इसे कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्लैट पैटर्न विधि के क्या मेरिट्स हैं।
जब फ्लैट पैटर्न विधि के गुण की बात करते हैं तो फ्लैट पैटर्न व्यापक रूप से कपड़ों के बड़े पैमाने में उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो हमारा पैटर्न है और पैटर्न से जो हम गारमेंट बनाएंगे उसका डिज़ाइन, उसका शेप, उसमें जो भी कर्व्स हैं वो एक निश्चित रहें, मेंटेन रहें, कहीं भी ऊपर नीचे ना हो। जो भी हम जिस भी पर्टिकुलर साइज़ के गारमेंट को लार्ज अमाउंट में हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए और शुड बी सेम। मूल पैटर्न के साथ फैशन की मांग के अनुसार हम जल्दी से पैटर्न को बना सकते हैं। अगर हमारे पास बेसिक पैटर्न है और कोई भी हमें डिज़ाइन चाहिए तो उसमें हम चेंज करके हम बना सकते हैं कोई भी डिज़ाइन को। इसलिए हमारे पास बेसिक पैटर्न्स होने चाहिए और बेसिक पैटर्न अगर हमारे पास है तो उसमें हम कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक पैटर्न में विकसित की गई डिज़ाइन का आकार जो है वो हमारे बेसिक पैटर्न के समान ही होता है, खाली डिज़ाइन में हमारे चेंज आएगा, जो साइज़ है, शेप है, वो सेम रहेगा। और विभिन्न आकारों के मूल पैटर्न की ग्रेडिंग बहुत आसानी से की जा सकती है और जिसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज़ हमारे पास 40 साइज़ का कोई पैटर्न अवेलेबल है, उससे हम 42 साइज़ का भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उससे 38 साइज़ का भी क्रिएट कर सकते हैं, उससे हम 36 साइज़ का भी कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। कई डिज़ाइन को विकसित करने के लिए बेसिक पैटर्न का बार बार उपयोग किया जा सकता है। अगर हमारे पास बेसिक पैटर्न है और उस बेसिक पैटर्न है मीन्स कि अगर सपोज़ हमारे पास 40 साइज़ का कोई पैटर्न है उसमें हमें अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट करनी है। सपोज़ एक कोई गारमेंट बनाना है जिसमें हमें प्रिंसेस लाइन ऐड करनी है, कोई गारमेंट है जिसमें हमें डांस ऐड करनी है, या कोई डिज़ाइन है जिसमें कि हमारे पास गैदर्स डालनी है या योग्स डालने हैं, तो हम उनको बना सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास बेसिक पैटर्न बना हुआ रखा है तो उससे हम अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन को साइमल्टेनियसली क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई भी हमें टाइम नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार हम पैटर्न बदल सकते हैं। अगर किसी की पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज़ हमारे पास 40 साइज़ का अवेलेबल है लेकिन उससे उसकी जो मेज़रमेंट है 40 साइज़ के, उससे कम मेज़रमेंट या अधिक मेज़रमेंट्स का कोई व्यक्ति की मेज़रमेंट हमारे पास है तो हम उससे कोई भी डिज़ाइन और कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीमेरिट्स क्या हैं फ्लैट पैटर्न मेथड के। जो मूल पैटर्न बनाने के लिए मीन्स जो बेसिक पैटर्न हम बना रहे हैं किसी भी साइज़ का, उसके लिए हमें पैटर्न बनाने की मेथड्स को पता होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, डार्ट मैनिपुलेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। और फ्लैट पैटर्न जो मेथड है वो टू डायमेंशनल मेथड है, इसके लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि, और इसके लिए साथ ही साथ हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए क्योंकि टू डायमेंशन होने के कारण हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इसमें कपड़ा जो हम स्टिच कर रहे हैं वो कैसा बन के आएगा और जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं उसमें कैसा सूटेबल होगा या उसमें फिटेड होगा या नहीं होगा। इसलिए हमें इसके साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है और इमेजिनेशन की हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम इमेजिन कर सकें कि जो हम कपड़ा बना रहे हैं, ये जो पैटर्न बना रहे हैं, उससे जब हम कपड़ा स्टिच करेंगे तो कैसा गारमेंट बन के आएगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लैट पैटर्न मेकिंग। तो हमारे 3 प्रिंसिपल्स हैं फ्लैट पैटर्न बनाने के, जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ डार्ट मैनिपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिट फुलनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटूरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डार्ट मैनिपुलेशन। जैसे कि हमें टर्म बताता है कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस होती हैं डार्ट की, उन लोकेशंस में हम डांट को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने पैटर्न में। हम डांस को ट्रांसफ़र करके हम पैटर्न बना सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमारे पास एक बॉडीज़ है, अपर बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो फ्रंट अपर बॉडीज़ के हमें कोई पैटर्न बनाना है, उसमें हमारे पास बेसिक डांट जो होती हैं वो होती है साइड डांट, वेस्ट डांट एंड शोल्डर डांट। अगर हमारे पास साइड डांट नहीं है और उसको हमें उसमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सपोज़ अगर हमारे पास वेस्ट डांट है और शोल्डर डांट है, इन दोनों को हमें कंबाइन करके वेस्ट में लेके आना है, तो हम कैसे बनाएंगे। ये प्रिंसिपल हमें पता होने चाहिए तभी हम पैटर्न बना सकते हैं और तभी हमारा कोई भी डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है, उसमें कोई भी फीचर हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि डांट हेरफेर का मतलब है कि पैटर्न जो हमारा ब्लॉक है या स्लोपर है के आसपास डांट को स्थानांतरित कैसे करेंगे और कहाँ उसे हमें लोकेट करना है, और उसके बाद फिट और डिज़ाइन की वरीयता दोनों के लिए हमें इसको करना पड़ता है डांट्स को मैनिपुलेशन, तो हम कैसे करेंगे।
फ्लैट पैटर्न में डांट का हेर फेर हमको डांट को मूल स्थान से एक स्थान पर ले जाने की अनुमति देता है। पैटर्न में डांट को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए एक धुरी बिंदु को नामित करना पड़ता है और डांट एक्सेस को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। जब हम बात करते हैं डांट एक्सेस क्या है, सपोज जो हमारी डांट हम कोई भी डांट सपोज हम बात कर रहे हैं कि वेज डांट में हमारे पास टूल एक्स होते हैं। जो डांट है इट इज़ अ ट्राइंगल इन शेप, तो हमारे जो दो डांट लेग्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम डांट एक्सेस बोलते हैं। तो जब हम किसी डांट को, जिससे मैंने बताया कि सपोज हम साइड डांट को वेज डांट में कंबाइन कर रहे हैं या हम साइड डांट को शोल्डर में लोकेट कर रहे हैं, तो हमारे डांट एक्सेस कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए और जो हमारा एंगल है डांट का वो कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी डांट को एक पर्टिकुलर लोकेशन में लोकेट कर सकते हैं और तभी हमारा गारमेंट अच्छी फिटिंग देगा। आमतौर पर डांट्स उन वस्त्रों में डाली जाती है जो कि हैंड वुवन होते हैं, जो कि हमारे हथकरघा में बनाए गए होते हैं, जिससे वस्त्र की फिटिंग शरीर में अच्छी आए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ब्लाउज हैं, पैंट हैं, सूट्स हैं, जैसे कि उसमें हमने देखा ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, जो सेंटर में दिया हुआ है वो डिफरेंट लोकेशंस दिखा रहा है डांट्स की, और जो उनके एडजेसेंट हमने डिफरेंट स्लोप लगाए हुए हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन दिखा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। लेफ्ट में पहला जैसे मैं दिखा रहा है कि साइड डांट है, उसके ऊपर वाला भी साइड डांट है, लेकिन साइड डांट में भी उनकी लोकेशन अलग अलग जगह पे है। जो पहला वाला है वो लोअर साइड में है और जो साइड डांट है ऊपर वाले में वो हमारी थोड़ी अपर डायरेक्शन में है। तो ये हमको दिखा रहा है कि शोल्डर डांट है हमारी, उसमें आर्म होल डांट है और साथ में हमारी वेस्ट डांट है और हमारी सेंटर फ्रंट साइड डांट भी है। तो उसको दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर हमारी लोकेशन होती हैं डांट की, जो हमारी गारमेंट फिटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती। अब हम बात करते हैं डांट्स बनाने, संयोजन करने के लिए और विभाजित करने के लिए और एक पैटर्न पर विभिन्न स्थानों पर डांट्स को स्थानांतरित करने के लिए हमें क्या नियम पता होने चाहिए। फिटिंग डांट्स बस्ट पॉइंट की ओर जाते हैं, कुछ डिज़ाइन में वे बस्ट सर्कल की ओर इंगित करिए जाते हैं। बस्ट सर्कल के बाहर फिटिंग डांट्स को इंगित नहीं करना चाहिए और सजावटी डांट्स बस सर्कल के बाहर इंगित करते हैं और वे फिटिंग नहीं देते हैं, वो खाली हमारे शो के लिए होता है। एक फिटिंग डांट की लंबाई डांट की सिलाई के आरंभ बिंदु से बस सर्कल या बस पॉइंट के बीच की दूरी द्वारा निर्धारित की जाती है और फिटिंग डांट्स बस सर्कल पर या उसके भीतर समाप्त होते हैं और सभी फिटिंग डांट्स को बस सर्कल तक विस्तारित किया जाना चाहिए, यह न्यूनतम लंबाई होती है और फिटिंग डांट बस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती हैं, यह अधिकतम लंबाई होती है। जो कोई भी फिटिंग डांट है वो हमारे बस सर्कल तक तो जानी ही चाहिए या बस सर्कल से ऊपर जा सकती है लेकिन बस पॉइंट तक नहीं जाएगी, बस पॉइंट से थोड़ा नीचे होगी और बस सर्कल के थोड़े अंदर होगी। ये हमारी मेन पॉइंट है जब हम फिटिंग डांट्स को बना रहे हैं। अगर किसी डांट का एंगल ऊपर से बहुत चौड़ा है तो उसको हमें थोड़ा कम करना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे कपड़े में क्रीज रिंकल्स क्रिएट करते हैं जो अच्छी फिटिंग ना देखे एक एम्बोज इफेक्ट देते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम डांट्स बना रहे हैं तो ये चीज़ें हमें ध्यान में देनी पड़ती हैं, जिससे कि हमारा गारमेंट की फिटिंग अच्छी आए, उसका अपीयरेंस अच्छा आए और उसमें कोई भी रिंकल्स फॉर्म ना हो। एक डांट के दोनों किनारों की लंबाई समान होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि डांट एक्सेस जो है विच इज़ द स्पेस बिटवीन द टू लेग्स ऑफ द डांट, तो हमारे दोनों उसकी सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं, डांट एक्सेस में सेंटर पॉइंट को मार्क करते हैं और उस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड हमारी जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। यदि एक डांट में दूसरे डांट के से बड़ा कोण है तो इसे आगे के बस क्षेत्र में विस्तारित करना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी रिंकल्स फॉर्म ना हो और उसमें हमारे गारमेंट का जो अपीयरेंस है वो गंदा ना लगे। यदि दोनों फिटिंग डांट्स आकार में समान हैं और विभिन्न सीम लाइन से उत्पन्न हो रही हैं, सपोज कोई वेस्ट से हमारी क्रिएट हो रही है डांट या कोई साइड सीम से क्रिएट हो रही है, तो दोनों डांट्स बस सर्कल में या उसके भीतर समाप्त होनी चाहिए, दोनों का लोकेशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट द रिंकल्स इन द गारमेंट। यदि सभी फिटिंग एक ही सिलाई लाइन में दो डांट्स द्वारा की जाती हैं तो दोनों डांट्स लगभग बस पॉइंट तक होनी चाहिए, लगभग मीन्स कि बस पॉइंट पर एंड नहीं करेंगी, नियर टू बस पॉइंट होनी चाहिए।
एक संयुक्त डांट को लगभग 10 पॉइंट तक विस्तारित करना चाहिए, क्योंकि इस डांट द्वारा बनाया गया बड़ा उभार वहाँ बेहतर तरीके से फिट हो सकता है। क्योंकि जो हमारा, जब हमने किसी दो डांट्स को कंबाइन करा है, सपोज साइड डांट को हमने वेस्ट डांट में कंबाइन करा है, तो हमारा डांट एक्सेस बढ़ जाएगा, उसका एंगल भी बढ़ जाएगा। तो उसको हम जब स्टिच करेंगे तो एंकल को फिटिंग देने के लिए, जिससे कि कोई भी क्रीज या कोई भी रिंकल फॉर्म ना हो गारमेंट में, तो उसमें हमें उसको बस्ट सर्कल तक उसको विस्तारित करना चाहिए या उसके ऊपर बस्ट पॉइंट तक जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल्स की फ्लैट पैटर्न में, जो है प्रिंसिपल ऑफ एडिट फुलनेस। एडिट फुलनेस का मीनिंग क्या है? कोई भी गारमेंट में परिपूर्णता एक मात्रा में बढ़ाना जो कि डार्ट एक्सिस से अधिक होती है, पैटर्न के फ्रेम के भीतर लंबाई या चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। परिधान में हम जब फुलनेस की बात करते हैं तो कैसे दे सकते हैं? बाय यूजिंग द गैदर्स, प्लीट्स, टक्स। ये जो हमारे मेथड्स हैं वो गारमेंट में फुलनेस देने के तरीके हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी डांट है, डांट को हम उनको गैदर्स में, प्लीट्स में, टक्स में या किसी डिफरेंट टाइप की लाइंस, जैसे इसको हम प्रिंसेस लाइन बोलते हैं, इनमें ट्रांसफ़र करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इक्वल फुलनेस, इक्वल फुलनेस का मीन्स क्या है? पैटर्न में कट लगाकर दोनों विपरीत भागों को समान रूप से फैलाया जाता है, जिससे परिपूर्णता ऊपर नीचे बराबर रूप से दिखाई देती है। जैसे मैंने बोला कि हम फुलनेस गारमेंट में गैदर्स के थ्रू दे सकते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है? सपोज हमारा कोई पफ स्लीव है, तो पफ स्लीव में हमारे जो स्लीव का पार्ट हमारे आर्म होल से जुड़ा है, जो उसका लोअर पार्ट है, उन दोनों में हम गैदर्स दे रहे हैं, और दोनों में गैदर्स इक्वल होंगी, तो क्या होगा कि दोनों में जो हमारा गैदर्स का अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। तो उसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा स्लीव का पैटर्न होगा उसमें जो कट होंगे ऊपर नीचे इक्वल होंगे और इक्वली स्प्रेड होंगे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक स्क्वायर शेप लेके दिखाया गया है कि जो हमने कट लगाए हैं उसमें इक्वल स्प्रेड करे हैं और उसमें कहीं भी ऊपर नीचे नहीं किया गया है। दोनों डायरेक्शन में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस है वो इक्वल है। एक तरफा परिपूर्णता मीन्स वन साइडेड फुलनेस, जिसमें कि पैटर्न केवल एक तरफ वांछित मात्रा में फैलाया जाता है, जो ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और पैटर्न का दूसरा भाग अप्रभावित रहेगा। मीन्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको स्लीव का एग्जांपल बताया, स्लीव में अगर हमने हेम पार्ट में, जो हमारा लोअर पार्ट है स्लीव का, उसमें हम गैदर्स दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कट खाली हम लोअर पार्ट में लगाएंगे स्लीव के। जो हमारा पोर्शन आर्म होल से अटैच होगा वहाँ पे कट नहीं लगाएंगे, उसमें हम खाली नीचे भाग से ऊपर तक लगाएंगे। ऊपर में हम जो हमारा अपर पार्ट सीम लाइन है, जो हमारे आर्म होल से ज्वाइन करेंगे जिसको हम, उसमें वहाँ पे कोई भी पोर्शन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए बाय यूजिंग द गैदर्स। दूसरा है अनइक्वल फुलनेस। अनइक्वल फुलनेस में क्या होगा, हम दोनों साइड गैदर्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या होगा कि जो लोअर पार्ट होगा या अपर पार्ट होगा, दोनों में से किसी भी पार्ट में अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, हम क्या करेंगे उसमें जहाँ पे अधिक रिक्वायरमेंट है वहाँ पे जो हमारा स्पेस का रिक्वायरमेंट होगा वो अधिक स्प्रेड हो जाएगा वहाँ पे, और जहाँ पे हमें कम रिक्वायर्ड हैं गैदर्स वहाँ पे हम स्पेस और जो स्प्रेड होगा पैटर्न का वो कम होगा। जो लास्ट प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटूरिंग। कंटूरिंग का मीन्स क्या है प्रिंसिपल कंटूरिंग में, कि जो पोर्शंस हमारे पैटर्न में, मीन्स कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पैटर्न बनाते हैं, तो जैसे कि जो भाग में हमारे उभार अधिक हैं या हमें कर्व्स हैं, उन भाग को हमें अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और बॉडी में फिटिंग लाने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या करेंगे, बाय यूजिंग द लाइंस वी शेप द गारमेंट टू फिट द पर्टिकुलर कंज्यूमर। तो इसमें क्या है कि हम मूल परिधान की तुलना में ऊपरी धड़ की आकृति को फिट करने के लिए बस्ट और कंधे के ब्लेड के बीच शरीर के ऊपर और नीचे के आयामों को फिट करने के लिए पैटर्न को इसके फ्रेम के भीतर कम किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि नेक लाइन है, अगर हमारा कोई पैटर्न है जिसमें नेक लाइन हमारी ज़्यादा गहरी नहीं है या गहरी है, और अगर सपोज उसमें हमारा 2 इंचेस की विड्थ है, एक एग्जांपल बता रही हूँ, किसी हमारी नेक लाइन नॉर्मली हमारी 5 इंचेस विड्थ रहती है जिसकी डेप्थ है हमारी, अगर हमारी उसकी जो डेप्थ है नेक लाइन की 5 इंचेस हैं, मुझे उसमें 6 इंच का चाहिए, तो उसकी गहराई लाने के लिए, उस कर्व को शेप में देने के लिए हमें लाइनिंग के द्वारा बाय मेंटेनिंग द कंटूर ऑफ द
नेक लाइन वी हैव टू शेप द पैटर्न, जिससे कि हमारा गारमेंट में और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा गारमेंट की फिटिंग अच्छी आए। बस्ट और कंधे के ब्लेड के आसपास के क्षेत्रों पर शिथिल रूप से फिटेड परिधान के बजाय शरीर के समोच्च का पालन करने के लिए डिज़ाइन और कंटूर के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि बंद वाले वस्त्र हैं या बिना आस्तीन के या गले की डिज़ाइन। सपोज़ जैसे हम स्लीवलेस गारमेंट्स पहनते हैं तो उसमें हमारे आर्म होल का शेप जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। उस अगर कोई हमारा पैटर्न बना हुआ है उसमें हमें कोई चेंज लाना है तो उसमें उसकी जो लाइन है हमारी आर्म होल की उसमें प्रॉपर शेप देते हुए उस गारमेंट में हम फिटिंग लेके आएंगे, जिससे कि हमारा गारमेंट जो है प्रॉपर फिटेड हो और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। तो हम कह सकते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ कंटूरिंग है वो टोटली क्या है, जो हमारे पोर्शंस हैं जहाँ पे कर्व्स हैं या हमारे रेस पोर्शंस हैं बॉडी में, उन पार्ट्स में हमारी साइड सीम्स को प्रॉपर लाने के लिए, उन कर्व्स को प्रॉपर शेप में लाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंटूरिंग का फॉलो करते हैं। धन्यवाद।